आज हम डीसी जनरेटर्स के जो पार्ट्स होते हैं उसके बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं, डीसी जनरेटर्स के पार्ट्स के बारे में। तो डीसी जनरेटर्स आपका दो भागों में डिवाइड होता है, एक होता है बाबू परमानेंट मैग्नेट, एक आपका अस्थाई चुंबक का बनता है, वैसा चुंबक जो परमानेंट हो, और एक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बनाया जाता है। जैसे ये आपका प्रोजेक्ट एक आर्मेचर है, और जैसे ही इसमें हम सप्लाई देंगे तो इसमें जो मैग्नेट तैयार होगा वह आपका होगा इलेक्ट्रोमैग्नेट, वह होगा आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट, बट ये आपका कौन सा है, ये परमानेंट मैग्नेट है, ठीक है, ये परमानेंट मैग्नेट है। और परमानेंट मैग्नेट्स के आगे कोई टाइप नहीं होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को हम विद्युत चुंबक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मतलब विद्युत चुंबक और चुंबक, और आपका परमानेंट का मतलब अस्थाई, जो आपको जमीन उमीन से धूप पर पड़े से अस्थाई चुंबक, ये आपका दो प्रकार का हो गया, ठीक है। अब परमानेंट के आगे कोई टाइप नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आपके दो प्रकार के हो जाएंगे, एक हो जाएगा सेल्फ एक्साइटेड, स्वयं से उत्तेजित होता हो, स्वयं सेल्फ का मतलब स्वयं उत्तेजित, और एक होता है सेपरेटली आगे आपको डिस्कशन करेंगे, ठीक है, ये सेपरेट का मतलब अलग से ये उत्तेजित होगा, इसके लिए हम बैटरी उटरी का यूज करके उसमें बताएंगे। अब सेपरेटली का कोई टाइप नहीं होता है, सेल्फ एक्साइटेड तीन भाग में टूटते हैं, आप लोगों ने कल पढ़ा था, सीरीज कंपाउंड जनरेटर, शंट कंपाउंड जनरेटर, शॉर्ट में लिखे हैं सीरीज कंपाउंड जनरेटर, शंट कंपाउंड जनरेटर और आपका कंपाउंड जनरेटर, ठीक है, इसमें आप सीरीज जनरेटर केवल, इसमें केवल सीरीज जनरेटर, इसमें आपका शंट जनरेटर, और ये हो गया कंपाउंड, मतलब कंपाउंड जो होगा ना उसके अंदर का जो कनेक्शन होगा वो आपका सीरीज और शंट, वो उसमें दोनों होगा। अब जो होगा कंपाउंड आपके दो भागों में टूट जाएंगे, एक होता है क्यूमुलेटिव, एक होता है आपका डिफरेंशियल, एक क्यूमुलेटिव एक डिफरेंशियल, कल एक तरह का इसके अंदर जो पोल शू होता है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर एक विशेष सवाल है, जो क्यूमुलेटिव होता है इसमें जो आपके सीरीज शंट कंपाउंड के जो फ्लक्स होंगे क्यूमुलेटिव में, वो सारा एरो आगे की तरफ होगा, इसमें एक सवाल कल मैंने बताया था, क्यूमुलेटिव में सब आगे होगा, इसमें फ्लक्स सीरीज का फ्लक्स शंट का फ्लक्स, बट डिफरेंशियल में जो पोल शू होगा, पोल शू जस्ट ये देखेंगे, इसमें जो पोल शू होगा इसके अंदर जो पोल शू होगा इसी की मैं चर्चा कर रहा हूँ, ठीक है, बट इसमें आपका हो गया, और डिफरेंशियल में ये पोल जो शू होगा ये कुछ एरो इधर की तरफ, मतलब फ्लक्स आगे की तरफ बढ़ेगा, एक आध फ्लक्स इधर की तरफ, इसको बोलते हैं डिफरेंशियल, डिफरेंशियल का मतलब घटाना, एक इधर से जा रहा है और एक इधर से जा रहा है, तो ये हो जाएगा डिफरेंशियल, और सब आगे की तरफ आएंगे तो क्यूमुलेटिव। अब क्यूमुलेटिव कंपाउंड जनरेटर भी दो प्रकार के, लॉन्ग शंट और शॉर्ट शंट, डिफरेंशियल भी दो प्रकार के, लॉन्ग शंट और शॉर्ट शंट। आज के लिए इतना है।